खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के अंदर लगातार हैट्रिक पर हैट्रिक मारते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून लाने का काम किया था, जो कि सीएम धामी की सराहना करवाने में नंबर वन साबित हो रहा है। वहीं उत्तराखंड की जनता और छात्रों का मानना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने छात्रों के लिए कई कार्य किए हैं। छात्रों ने बताया कि जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर लगातार पेपर लीक के मामले हों या फिर भर्ती घोटाले के मामले हों लगातार निकलकर सामने आ रहे थे, उन सभी मामलों में सीएम धामी ने सख्त कदम उठाते हुए उत्तराखंड के अंदर नकल विरोधी कानून लागू करने की बात की। बल्कि उत्तराखंड के अंदर नकल विरोधी कानून लेकर आए हैं। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए मुख्यमंत्री धामी जी, अभी कुछ ही समय में उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है, जिसमें जो सबसे पहले उन्होंने जो छात्र हितों के, हम छात्र जो है छात्रों के हितों में बात करेंगे, तो उन्होंने नकल विरोधी कानून लाया था और उसका कहीं ना कहीं पालन भी हो रहा है। थोड़ा कम घटनाएं सुनाई दे रही है, जिस प्रकार से पहले उत्तराखंड में बहुत घटनाएं सुनाई दे रही थी पेपर लीक और नकल से संबंधित जो भी घटनाएं थी, अब वो जो है थोड़ा कम हुई है। देखिए जो अभी हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने जो नकल विरोधी कानून लाया था, आप देखते थे आए दिन, उत्तराखंड हमारा एक छोटा राज्य है और आए दिन यहाँ पे भर्ती घोटाले सामने आते रहते थे। लेकिन जब से नकल विरोधी कानून लाए हैं, जो भी भर्ती घोटाला करवा रहे थे या जो भी माफिया थे भर्ती घोटाले के, उनके मनों में अब खौफ बैठ गया है। और जो माननीय पुष्कर सिंह धामी ने जो कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया है कि 10 लाख रुपए तक का उनको दंड देना पड़ेगा और 10 साल तक की सजा। देखिए जिस हिसाब से सीएम साहब लगातार क्षेत्र में प्रगति करते जा रहे हैं, जिस हिसाब से कार्य कर रहे हैं, उस हिसाब से समाज में बहुत अच्छा असर पड़ रहा है उनका। जैसे उन्होंने हाल ही में जो पेपर वो लीक हुआ था, उसमें उन्होंने नकल विरोधी कानून को लाकर उत्तराखंड को एक सशक्त ओर ले आने का कार्य किया है। तो हम इस चीज़ का मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून लागू किया। इससे जो भी छात्र परेशान थे, जो अपनी मेहनत कर रहे थे दिन रात, अब ऐसा क्या हो रहा था कि जैसे छात्र थे वो पैसा देके जॉब जल्दी लग जा रहे थे। देखिए जिस प्रकार मुख्यमंत्री जी युवाओं के साथ में बहुत अच्छे अच्छे निर्णय कर रहे हैं, जैसे UCC कानून लाए हैं और एक नकल विरोधी कानून, जो कि बहुत जरूरी था, क्योंकि आपने पिछले लास्ट टाइम देखा होगा एक नकल विरोध पेपर लीक होने के कारण कितने धरना प्रदर्शन हुए। एक बच्चा साल भर, पहाड़ का बच्चा साल भर आके यहाँ मेहनत करता है, रूम लेता है रेंट पे, अपनी कोचिंग की फीस देता है, फिर वो एग्जाम देता है, एग्जाम देने के बाद वो घर भी नहीं पहुँचता, उसे खबर मिलती है पेपर लीक हो चुका है।